सो स्वीट, बट गोद में नहीं आता ये। तो मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर बोल रहे हैं क्या भाई ये बच्चा ये तुम्हारी स्ट्रीट कैट का नहीं है, बट भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसका ही बच्चा है। मेरे घर पे मेरे डैड मुझे चिल्ला रहे हैं और यहाँ पे मेरी कैट मेरा कैमरा हिला रही है। सो ये है वो, ये देखो प्रॉपर दिख रहा है क्या नहीं क्या पता, बट बहुत सारे हेयर से। सो हे गाइस, दिस इज योर अलीज एंड यू आर वाचिंग अलीज लाइफस्टाइल चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत अच्छी टॉपिक पर होने वाली है और ये आप सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ और ये सारी सॉल्यूशन निकालूँ सारी प्रॉब्लमों का। तो आज मैं ब्लैक टी शर्ट इसलिए पहना हूँ और आज मेरे गोद में कैट इसलिए है, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, छोड़ो हिंट नहीं देता हूँ, मैं बता देता हूँ। तो कैसा, अभी मैंने इसे गोद में लिया था तो इसके आप लोग देख सकते हो, ये देखो थोड़े थोड़े बाल लग गए हैं। इसके कम लगते पर जो हमारे घर में वाइट हूँ उसके कुछ ज़्यादा लगते। तो ये हर घर में जिस जिस घर में पर्शियन कैट है वो सब ये प्रॉब्लम से जूझ रहे रहते। सो ये चीज़ का मेरे पास सॉल्यूशन है, तो मैं आप लोगों को आज ए टू जेड इस वीडियो में चीज़ें बताने वाला हूँ कैसे आप लोग ये जो ब्लैक टी शर्ट या बेड पर या सोफे पर जो कैट्स के हेयर लगते हैं उसे कैसे रिमूव कर सकते हो। तो आज की वीडियो में ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बातें कम करते मेन टॉपिक पर आते। तो कैसा है कि मुझे इंस्टाग्राम पे 2-3 लोग ने बोला क्या भाई मेरे घर पे मेरे डैड मुझे चिल्ला रहे हैं और यहाँ पे मेरी कैट मेरा कैमरा हिला रही है। सो ये है वो। तो मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि भाई मेरे घर पे मेरे डैड चिल्लाते हैं, क्या इसके हेयर से ये होता है वो होता है, और इसके हेयर कपड़े पे लग जाते तो निकलते नहीं। और ये बहुत सिमिलर है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है ना आपके साथ हो रहा है, ये हर किसी के साथ होता है जिस जिसके पास पर्शियन कैट है। और जो लोग ये चीज़ का प्रूफ देंगे कि हमारी कैट के हेयर नहीं झड़ते तो मैं मानूँ ही नहीं, क्योंकि मेरे घर में भी है, मैं उसकी सारी ट्रीटमेंट के ऊपर हेयर झड़ते ही है। कंपेयर बाय लक्की के मुकाबले जो मेरे घर पे वाइट है उसके ज़्यादा हेयर झड़ते। तो अभी मैं उसको गोद में लूँगा पहले, फिर पूरे हेयर यहाँ पे आप लोग देखना किस तरीके से चिपक जाएंगे और उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, झाड़ेंगे भी तो कितना झाड़ेंगे वो चिपक जाते। तो कैसे आप लोग वो हेयर रिमूव कर सकते हो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो पहले मैं जाता हूँ वाई टू को लेके आता हूँ, उसको पकड़ता हूँ, थोड़ा हक करता हूँ तो यहाँ पूरे बाल लग जाएंगे, तो वेट एंड वॉच में लेके आता हूँ उसको। तो लेके आ गया मैं वाई टू को और वाई टू मेरे गोद में आता नहीं, ना किसी के गोद में आता है, क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी ऐसी प्यार करता है। तो ये आप लोग देख सकते हो कितना ज़िद्दी है ये, इसके चेहरे से ही घमंड दिख रहा है इसका। तो इसको देखो अभी मैं यहाँ लेता हूँ, 1, 2, 3। आप लोग सिर्फ मेरे कपड़े पे हेयर देखो इसके कितने चिपके, ये देखो प्रॉपर दिख रहा है क्या नहीं क्या पता, बट बहुत सारे हेयर से। तो ये हेयर्स आप लोग कैसे रिमूव कर सकते हो, तो आप लोग जहाँ से कैट का फूड वगैरह लेते हो वहाँ पे कैट लोग की एसेसरीज वगैरह भी मिलती है, तो वो लोग के पास है ना पर्शियन कैट हेयर रिमूवर रोलर मिलता है जो इस तरीके का रहता है, और इसके साथ में 3 आते ये ख़त्म होगा तो फिर दूसरा आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, और बहुत ईजी स्टेप है। और इससे मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे बदन पे तो बाल लगते ही नहीं है, कपड़े पे बाल लगते ही नहीं, और मैं इसको 2-3 बार मारूंगा तो सब बाल निकल जाएंगे, तो मैं करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली क्या करना होता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, तो आप इसको निकालोगे ना तो ये पूरा न्यू हो जाएगा। तो आप कर रहे हो नहीं कर रहे तो आप लोग ये निकाल देने का, ये निकालने के बाद ये पूरा न्यू हो जाएगा। तो आप लोग इसको क्या करना है, जिधर जिधर हेयर है वहाँ पर इसको रोल करना है जैसा मैं कर रहा हूँ, यहाँ के तो पूरे बाल निकल गए एक ही बार में। तो आप लोग देख सकते हो अभी ये वाइट था, बट अभी इसका कलर देखो पूरा इसके अंदर आ गया, तो पूरे हेयर मेरे जो भी ब्लैक टी शर्ट पे थे सब निकल गए। देखो आप लोग देख सकते हो ये हेयर है, निकल जाते हो बहुत इजीली। तो आप लोग ये आपके नज़दीकी शॉप से परचेज कर सकते हो, पर्शियन कैट हेयर रिमूवल रोलर बोलते से जहाँ तक के मुझे पता है, और इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें भी आती है, इसके साथ में ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। तो आप लोग इजीली इसे अप्लाई भी कर सकते हो और इजीली यूज़ भी है, इसको निकालो यूज़ कर लो। तो आप लोगों ने देखा कितना इजी स्टेप था जिस तरीके से मैंने हेयर रिमूव किया हो, और मैं ना ही इस चीज़ का प्रमोशन कर रहा हूँ, बस मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस सिचुएशन से अगर जूझ रहे हो तो ये चीज़ यूज़ करो, बहुत यूज़फुल है और वर्थ है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वर्थ नहीं रहते, खरीद लेते बाद में कुछ असर ही नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ये लिया था मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, ये लिया था मैंने, और इससे प्रॉपरली हेयर निकलते ही नहीं है, जितना भी आप कर लो यूं यूं करोगे और लग जा रहे। आई मुझे पता है कि इसको डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है जहाँ से बाल निकले, नहीं तो आप लोग बोलेंगे क्या रॉन्ग डायरेक्शन में घुमा रहा रहेगा, नहीं मैं सही डायरेक्शन में घुमाता हूँ, अगर ज़्यादा बाल लग जाएगी तो निकलते नहीं। तो इसे मैं सोफ़ा वगैरह साफ करने के यूज़ में डाल दिया, सोफे वगैरह के बाल क्लियरली निकल जाते, बड़ा टी शर्ट वगैरह के नहीं निकलते। और जो टी शर्ट वगैरह के निकालना है तो आप लोग ये ब्रश यूज़ करो, इसका मैंने आप लोगों को नाम बता दिया है,
और आप लोग मेरी पहले की वीडियो देख लो जाके, इससे जो पहले मैंने अपलोड की थी उसके अंदर मैंने बेस्ट फूड बताया था पर्शियन कैट के लिए। बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है, जो लोग नहीं देखे जाके फट से देखो, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलाता हूँ अभी लक्की से आपको, और लक्की बहुत बदमाश हो गया आजकल, मिलाता हूँ क्या डायरेक्ट वीडियो लेके चलता हूँ वहाँ पे वेट। तो ये रहा लक्की, क्या हो गया लक्की, और इसकी ग्रूमिंग की वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली, इसको नहलाना भी हमें, और इसको तो नहीं नहला सकते क्योंकि ये बहुत जिद्दी है और अभी प्यार कर रहा है मुझे। वो दो और लोग बहुत बदमाश हो गए। ये बॉटल मैंने बाहर लाइक कुछ ज़रूरतमंद लोगों को देने के लिए लाया था, लाइक बहुत सारे लाई था मैंने, अभी इतनी बच गई है तो ये देना है मुझे, और लोग इसको फाड़ रहे अंदर जाके। क्या है बेटा क्या कर रहे हो, और वहाँ उसकी मम्मी है और ये गोदू है। गोदू ये मेरी बात बहुत सुनने लगा आजकल, देखो आओ आओ गोदू। अरे बेटा सो स्वीट, बट गोद में नहीं आता ये, तो इसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं कंपेयर बाय लक्की, तो इसलिए वो सब रोलर का जो मैंने ब्रश बताया वो लेना पड़ा मुझे। तो इन लोगों को ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ, आगे की वीडियो आप लोगों के साथ बात करता हूँ, लेट्स गो। तो मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर बोल रहे हैं क्या भाई ये बच्चा, ये तुम्हारी स्ट्रीट कैट का नहीं है, बट भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका ही बच्चा है, सिर्फ मेटिंग जो है वो है लक्की से हुई है। तो आप लोग के सामने प्रूफ है, आप लोग देख सकते हो ये जो बच्चा है माँ का दूध पी रहा है, तो ऐसे कोई बच्चा किसी और माँ का दूध नहीं पीता है। तो आई होप आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया रहेगा। और ये रहा हमारा कालू, और ये बहुत फ्रेंडली हो गया बच्चा होने का, नहीं तो आप लोग देखे रहोगे मेरी प्रीवियस वीडियो में, लाइक ये मुझे मारता, लाइक बहुत कुछ करता था, बट अभी बहुत शांत हो गया है। एंड ये अभी है जियोन, जियोन सो रही है बेटी, और एक बच्चा है यहाँ पे, इसको भी माँ के पास दे देते। ये भी अभी दूध पियो, ओ भाई साहब सो क्यूट, लोग देख सकते हो कैसा ये सा डायरेक्ट गिर गया माँ के ऊपर। तो यहाँ माँ भी सो रही है मस्त, और बच्चे लोग दूध पी रहे, ज़्यादा परेशान नहीं करते। सो ये अभी है वाई टू, हाय वाई टू व्हाट्सअप। तो ये अभी सो के उठाए, और इसका कलर काफ़ी अच्छा लगता है यार, मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी रेयर कलर है। हाँ ये जैसे आप लोग देख सकते हो ये गोल्डन है, उसके अंदर फिर ये देखो पूरा वाइट, कुछ समझ में नहीं आता, और बहुत वफादार है ये। और अभी आप लोग देख रहे थे यहाँ पे ये पी रहा था दूध, और अब ये पी रहा है, पी रहा है या सो गया अंदर, ओके दूध पी रहा है। और ये माँ क्या कर रहा है बेटा, इसको खेलने का मन कर रहा है अभी, देखो इसको खेलने का मन करता है सब टाइम पे, सो के उठता है जब भी इसको खेलने का मन करता है। इसकी खेलने की भी वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पर मेरे। और ये आजकल सियोन से बहुत फाइट कर रहा है, क्या पता है क्यों क्यों कर रहा है बेटा, आजा। तो आप लोगों ने देख लिया लक्की और यहाँ पे गोदू वाई टू वगैरह बच्चे वगैरह को बहुत मस्ती कर रहे हैं आजकल। और लोग की ग्रूमिंग की वीडियो भी बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, डेली रूटीन की भी वीडियो डालने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो आप लोग कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ, और ये वीडियो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट करो, मैं बिंदास आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, आपकी कैट को फीवर है, कोई बीमारी से गुजर रही है, तो मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को 1 से 2 घंटे में निकाल के दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, और पहले की जाके वीडियो मेरी देख लो जितनी भी है, सारी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।